नेतृत्व देने वाले आदरणीय शरद पवार जी, मंच पर आसीन मराठियों की शान महाराष्ट्र ही नहीं, कोरोना के समय में जनता की सेवा कर पूरे देश में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाले आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, मंच पर आसीन पूर्व गृह मंत्री और मोदी सरकार ने 14 महीने तक जिनको जेल में रखा, भाई अनिल देशमुख जी, लेकिन उनको झुका नहीं पाए, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेतागण, विधायकगण, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, नेताओं, मैं महाराष्ट्र की जनता को, वर्धा की जनता को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने इतनी बड़ी तादाद में इस रैली के अंदर इकट्ठा होकर यह बताने का काम किया है कि एनसीपी के प्रत्याशी अमर काड़े यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं, उनको आप चुनाव जिताने जा रहे हैं। साथियों और दोस्तों, आज क्या जुर्म कर रहे हैं मोदी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, जिस आदमी ने दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया, बिजली का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, दवाओं का इंतजाम किया, नरेंद्र मोदी की सरकार केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दे रही है, दवा नहीं दे रही है, यह जुल्म है, जाति है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। अपने वोट की ताकत से आपको इसका जवाब देना है। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, आदिवासी समाज के नेता, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, आज पूरे देश के अंदर पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बाला साहब की शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, उनकी तीर कमान चोरी कर ली मोदी जी ने, शरद पवार जी की घड़ी चोरी कर ली मोदी जी ने। अरे ये घड़ी चोरी करने वाले, तीर कमान चोरी करने वालों को जवाब देना है, इनकी जमानतें महाराष्ट्र के अंदर जब्त कराने का काम करना है। बोलो कराओगे कि नहीं कराओगे, हाथ उठा के बताओ, तैयार हो? तैयार हो? शिवसेना की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है और छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे बड़ी एक ही शिक्षा दी है, गद्दारों को माफी नहीं। गद्दारों को, गद्दारों को, गद्दारों को, जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की, जिन्होंने हमारे इन दो नेताओं के साथ गद्दारी की, जिन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया, उनकी जमानतें जब्त करा के भेजना। आप सब छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं, ये बताना और मोदी जी को कहना अब आपकी विदाई का समय आ गया है। हेलो, अभी अनिल देशमुख जी कह रहे थे, उसके पहले हमारे नेता कह रहे थे मोदी जी की गारंटी। मैं बताता हूं मोदी जी की क्या गारंटी है। हेलो, आप बोले कुछ बोलना है आपको? मोदी जी की क्या गारंटी है मैं बताना चाहता हूं आपको। मोदी जी की एक ही गारंटी है, एक ही गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। बोले थे 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे, दे दिया क्या? झूठ बोला ना। बोले थे किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, दोगुना हो गई क्या? झूठ बोला ना। बोले थे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा, कितना जमा होगा, जोर से बोलिए, 15 पैसे भी आपके खाते में नहीं आए, 15 पैसे भी आपके खाते में नहीं आए।
हमारी बहनें, हमारी माताएं जो यहां पे बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपाकर घर के संदूक में 1500 की नोट जो रखी थी, ये सोच के रखा था कि जब घर में कोई बीमार होगा ये पैसा काम आएगा, जमीन का टुकड़ा खरीदना होगा ये पैसा काम आएगा, बेटी की शादी होगी ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माताओं और बहनों नोटबंदी है, लाइन में लग के पैसा जमा कर दो, वो भी आपका लूट लिया, वो भी पैसा आपको लूट लिया। तो मोदी की गारंटी है झूठ बोलने की गारंटी, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम रखा है भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। झूठ बोलने वालों की पार्टी है कि नहीं है? क्या नारा दे रहे हैं? कह रहे हैं 400 पार। ये भाजपा वाले मोदी जी फर्जी नारा देने में मास्टर आदमी है, याद रखना। बंगाल में गए, कहने लगे 200 पार। आई 77 सीट। दिल्ली में गए, बोले 45 पार। आई 8 सीट। हरियाणा में गए, बोले 75 पार। आई 40 सीट। महाराष्ट्र में आए, बोले 150 पार। आई 105 सीट। मिजोरम में गए, बोले 21 पार। आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार। महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं तड़ी पार करना है कि नहीं करना है? इनको तैयार है? सब लोग तैयार है ना? कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने कहा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह और ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी थे देश भर में सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, अजीत पवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा लिया और भाजपा के साथ शामिल किया, छगन भुजबल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया भाजपा के साथ शामिल कर लिया, हसन मुश्रीफ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया भाजपा के साथ शामिल कर लिया, नारायण राणे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया भाजपा के साथ शामिल कर लिया, अशोक चौहान पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया भाजपा के साथ शामिल कर लिया, जनार्दन रेड्डी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया भाजपा के साथ शामिल कर लिया, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, सब पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सबको भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर भाजपा में शामिल कर लिया। भाजपा का नारा है, मोदी जी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल धुल के साफ साफ करके भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाने का काम खुद नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपसे पूरा देश सवाल पूछ रहा है, जब आप 10 साल के शासन के बाद आए हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे नौजवानों को अग्निवीर में डालकर भारत की सीमा को कमजोर आपने क्यों किया? भारत की सीमा को कमजोर करने का काम आपने किया, चीन की घुसपैठ हो रही है, 20 जवान हमारे शहीद हो गए, आज आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं, महंगाई को आपने आसमान पे पहुंचा दिया। 2014 में आपने मोदी जी हमसे कहा था, जब घर से निकलना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना। मैं महाराष्ट्र के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, वर्धा के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, गांधी की धरती पे आपसे कहने के लिए आया हूं, जब वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर जरूर देख के निकलना। निकलोगे कि नहीं सिलेंडर देख के? उद्धव साहब ने मुझे कहा कि वर्धा वालों को बता देना मोटरसाइकिल भी देख के निकलेंगे, 120 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाया आपने, 120 रुपए लीटर। ट्यूबवेल भी देख के निकलना है, 100 रुपए का डीजल उसमें भरवाया। सरसों का तेल 250 रुपए लीटर आपको मिला, महंगाई आसमान पे आपने पहुंचा दी, बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा पहुंचा दी,
15 लाख करोड़ रुपए अपने चंद पूंजीपति दोस्तों का माफ किया, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के जरिए चंद पूंजीपतियों का माफ किया, और हिंदुस्तान के गरीब आदमी के हिस्से में 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन पे जिंदा रखते हो। आप कहते हो मोदी जी भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे पर कैपिटा इनकम के मामले में हम 142वें स्थान पे खड़े हैं। शर्म आती है, ये सरकार सत्ता में बैठी हुई है, इसको उखाड़ कर फेंकना है, भारत का संविधान बचाना है, भारत का लोकतंत्र बचाना है और मोदी की तानाशाही को हटाना है। जिन लोगों ने शरद पवार जी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे जी के साथ गद्दारी की, वो मोदी की पार्टी जिसने महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का काम किया, उसकी जमानतें जब्त करा देना साथियों। 41 सीट पिछली बार आई थी उद्धव ठाकरे जी के सहयोग से, 18 सीट इनकी थी, 23 सीट बीजेपी की थी। अगर ये 41 सीट महाराष्ट्र ने कम कर दी तो याद रखना फिर बीजेपी आने वाली नहीं है। कम करोगे कि नहीं करोगे? कम करोगे ना? 41 सीट कम करोगे ना भाजपा की? भाजपा की 41 सीट और जिसमें 18 इनकी थी, अब की जितनी मिली है पूरी की पूरी आप शिवसेना को देना, उद्धव साहब को देना, और जो इनके साथ पिछले बार में 18 सीट इनकी जुड़ी थी, अब वो इंडिया गठबंधन के साथ वो सीटें जुड़ेंगी, सरकार बनेगी, महाराष्ट्र की जय दिल्ली में भी होगी, याद रखना। ये नेता जब पहुंचेंगे तो महाराष्ट्र की जय होगी, महाराष्ट्र की जय होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर हम आगे बढ़ेंगे, और देश के संविधान को बहुत बड़ा खतरा है। अंत में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, जिस तरह से आज नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विधायकों को तोड़ा जा रहा है, ईडी का डर दिखाया जा रहा है, सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। बैठे अनिल देशमुख जी 14 महीने तक जेल में रहे, संजय रावत जी जेल में रहे, मुझे जेल में रखा। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी 6 महीने नहीं 6 साल जेल में रखोगे, हमारे मनोबल को और हौसले को तोड़ नहीं पाओगे। तुम्हारी लाठियों से और मुकदमों से हम डरते नहीं। देश के संविधान को खतरा है। आज देश का संविधान खत्म करने की कोशिश भाजपा के लोग कर रहे हैं। इनका अयोध्या का कैंडिडेट लल्लू सिंह जो सांसद है वो कहता है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा इनकी प्रत्याशी कहती है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े इनका पूर्व केंद्रीय मंत्री कहता है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। मेरठ से अरुण गोविल प्रत्याशी है बीजेपी के, कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। मैं कहना चाहता हूं जब तक हम लोग जिंदा हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने नहीं देंगे। तुम संविधान बदलना चाहते हो, तुम हमारे वोट की ताकत छीनना चाहते हो, तुम चुनाव देश के अंदर खत्म करना चाहते हो, तुम आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हो, मोदी जी हम ये काम होने नहीं देंगे। ना संविधान खत्म होने देंगे, ना चुनाव खत्म होने देंगे, ना ही आरक्षण खत्म होने देंगे। देश के लोगों के साथ जो न्याय हो रहा है वो न्याय होता रहेगा। आपने 10 साल तानाशाही कर ली, अब आपकी तानाशाही का अंत होगा, महाराष्ट्र जागेगा, पूरा हिंदुस्तान जागेगा, और मोदी जी का सफाया करने का काम उनकी पार्टी का सफाया करने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, यानंतर आदरणीय पवार साहेबांच्या महाराष्ट्रभर